जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले पावरफुल रॉकेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट के बारे में बताया। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसे देख लें ताकि इस वीडियो को और अच्छी तरह से समझ पाएं। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। SpaceX जिसके CEO हैं इलॉन मस्क, आपने इनके वेरियस इंटरव्यूज में ये कहते हुए सुना होगा कि ये मार्स को कोलोनाइज करना चाहते हैं, एक परमानेंट ह्यूमन बेस बनाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं इनका ट्विटर हैंडल पे भी कुछ इसी तरह का मैसेज दिया गया है। बट ये सब करने के लिए इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था एक पावरफुल लॉन्च व्हीकल का जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और साथ ही मून और मार्स पे ह्यूमन को पहुंचा सके। एंड देन SpaceX ने स्टारशिप नाम के एक रॉकेट पे काम करना शुरू किया जो पूरी तरह से रियूजेबल होगा। इस रॉकेट से हम क्रू मेंबर हो या कोई पेलोड को अर्थ ऑर्बिट, मून या इवन मार्स तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करें तो चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट हो, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट हो, मून हो या मार्स हो, सभी जगह 100 मेट्रिक टन्स पेलोड को पहुंचा सकता है। जो इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3 के कंपैरिजन में स्टारशिप 10 टाइम्स मोर पावरफुल है। स्टारशिप में सिर्फ दो स्टेज है। पहला सुपर हैवी बूस्टर जो रॉकेट को स्पेस तक पहुंचाकर धरती पर वापस लैंड कर सकता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया ये रीयूजेबल होगा इसलिए हम इसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेज है स्टारशिप जिसमें सारे पैसेंजर एंड जो भी पेलोड हमें स्पेस में भेजना है वो इसी में होगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि हम इस स्टारशिप को रीफ्यूल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए, जब भी सुपर हैवी बूस्टर इस स्टारशिप को स्पेस तक छोड़कर वापस आ जाएगा और अगर कभी स्टारशिप को फ्यूल की कमी महसूस हुआ तो इसी सुपर हैवी पे दूसरा स्टारशिप जिसमें सिर्फ फ्यूल होगा उसे इस पे माउंट करके लॉन्च किया जा सकता है और फिर ये उस स्टारशिप को फ्यूल ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये स्टारशिप अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी ये डेवलपमेंट फेज में है और रिसेंटली SpaceX को इसमें एक बड़ी सफलता भी मिली है। आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2020 का ये आर्टिकल है, SpaceX प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट पासेस क्रिटिकल माइलस्टोन टुवर्ड फर्स्ट फ्लाइट। बेसिकली इसमें ये अपने फोर्थ स्टारशिप प्रोटोटाइप पे सक्सेसफुली क्रायोजेनिक टेस्ट कर पाए। इससे पहले के तीन प्रोटोटाइप में इन्हें फेलियर भी देखना पड़ा था। SpaceX एग्रेसिवली इसे डेवलप करने में लगा है और टारगेट रखा गया है कि अर्ली 2021 तक फर्स्ट लॉन्च कर पाए। दोस्तों दो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि स्टारशिप जरूरत पड़ने पे एक दिन में 3 बार लॉन्च किया जा सकता है जो अभी के रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता, और दूसरा लॉन्च कॉस्ट। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है बट इस्टीमेट लगाया जा रहा है कि 2 से 3 मिलियन $ के आसपास ही होगा। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन, कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स पे। देखिए, मार्स पे इंसानों को भेजने से पहले हमें वहाँ पे कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स को पहुँचाना होगा जिसमें स्टारशिप हमारी मदद कर सकता है, और SpaceX का प्लान है कि वहाँ पे एक प्रोपेलेंट प्लांट और एक मार्स बेस अल्फा पावर सिस्टम को बिल्ड किया जाए ताकि फ्यूल का इंतजाम किया जा सके। एंड अगेन, ये सब बनाने के लिए हमें अर्थ से ही सारा सामान मार्स पे ले जाना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि SpaceX अकेला ही मार्स पे कॉलोनी सेटअप नहीं करेगा, इनके अलावा भी कई स्पेस एजेंसी इंक्लूडिंग नासा साथ मिलकर काम करेंगे। SpaceX का प्लान है कि 2022 तक कुछ कार्गो को मार्स तक पहुँचाया जाए एंड फाइनली 2024 में मार्स पे कुछ क्रू मेंबर को भेजा जाए। अब आते हैं मून मिशन पे कि इसमें स्टारशिप कैसे मदद कर सकता है। देखिए, मार्स पे कॉलोनी सेटअप करने के लिए मून हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इस पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल सभी स्पेस एजेंसी कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले मून पे एक बेस बनाया जाए, एंड अगेन सारा इक्विपमेंट अर्थ से मून तक ले जाने के लिए हमें एक पावरफुल रॉकेट की ज़रूरत होगी। SpaceX ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताया है कि वो स्टारशिप को स्पेस टूरिज्म के लिए भी यूज़ करेंगे, इसमें इनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलेगा। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है एक जापानीज बिलियनियर जिसने एक मून ट्रिप को ऑलरेडी बुक कर रखा है जिसमें ये स्टारशिप पे बैठकर मून को ऑर्बिट करेंगे। ओके, तो अब मेजर क्वेश्चन ये आता है, क्या नासा को स्टारशिप की मदद लेनी चाहिए अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए? तो इसका आंसर है यस, और नासा ने ऐसा किया भी है। आई होप आपको आर्टेमिस मिशन के बारे में पता होगा जिसमें नासा 2024 में दोबारा मून पर जाएगा। तो बेसिकली अभी हुआ ये, नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए 3 स्पेस एजेंसी का मदद लिया है जिसमें SpaceX भी शामिल है, और इनको काम दिया गया है कि लूनर लैंडर को तैयार करने के लिए जो कॉम्पोनेंट लगेंगे उनको अर्थ से मून ऑर्बिट तक पहुँचाना, और दूसरा कि स्टारशिप को एक लैंडर की तरह डेवलप करना
ताकि एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंड कराया जा सके। इन सब के अलावा स्पेसएक्स का एक और प्लान है, अर्थ टू अर्थ फ्लाइट। बेसिकली स्पेसएक्स अपने स्टारशिप को एक एयरप्लेन की तरह भी यूज करना चाहते हैं, जिसमें होगा ये कि आप एक रॉकेट में बैठकर एक जगह से दूसरा जगह जा सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लेन से बैंकॉक टू दुबई जाते हैं तो अप्रॉक्स 6 आवर 25 मिनट लगते हैं, लेकिन यही जर्नी स्टारशिप की हेल्प से सिर्फ 27 मिनट में किया जा सकता है। अब आते हैं कंपैरिजन पे कि स्टारशिप पिछले रॉकेट से कितना पावरफुल है। अगर आपने मेरा रॉकेट वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने सैटर्न वी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें मैंने ये भी बताया कि सैटर्न वी इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसको नासा अपने अपोलो प्रोग्राम के लिए इसे यूज किया था। स्टारशिप सैटर्न वी के कंपेयर में ज़्यादातर मामलों में पावरफुल है, जैसे कि साइज में, और सैटर्न वी के क्रू कैप्सूल में सिर्फ 3 लोग ही आ सकते थे, और वहीं स्टारशिप में 100 लोग। और स्टारशिप सैटर्न वी के कंपैरिजन में 2 times मोर थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि स्टारशिप कितना पावरफुल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्पेसएक्स स्टारशिप को डेवलप कर पाएगा। तो अगर मैं अपना ओपिनियन की बात करूँ तो इसका आंसर है यस, क्योंकि स्पेसएक्स ऑलरेडी रीयूजेबल रॉकेट को बनाने में कामयाबी पा चुका है। अब देखना ये होगा कि स्पेसएक्स इसे कितना एफिशिएंट बना पाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।